दोस्तों आप देख रहे होंगे इस समय हरियाली और बारिश का मौसम होता है तो रेगिस्तान में हमको ये हरियाली दिखाई देती है और ये रेगिस्तान के बीच में एक छोटी सी झील है, इसका नाम है गजरूप सागर और ये काफ़ी पुरानी और बड़ी ही खूबसूरत झील है ये। और अक्सर इस रेत के अंदर खुम्बियाँ निकलती हैं और वो खुम्बी खाने के काम आती है और बड़ी ही पौष्टिक हुआ करती है। तो वो इसी रेगिस्तान में किस प्रकार से निकलती है और बहुत सारे ग्रामीण लोग इसको रेत के अंदर से निकाल कर बाज़ार में बेचने आया करते हैं और वो लगभग 200 रुपये किलो बिक रही है जैसलमेर में। तो देखिए हम चलते हैं, इस रेत के अंदर से खुम्बी ढूंढते हैं और उस खुम्बी को कैसे ढूंढते, देखिए ये आपको दिख रही होगी वाइट वाइट, ये देखिए ये खुम्बी है, इसको मशरूम भी कहा जाता है और बहुत ही पौष्टिक होती है। तो ये खुम्बी है और भी हम देखते हैं, देखिए आगे इस रेत में थोड़ी दूर दूर होती है, कम होती है और हम ढूंढेंगे तो हमको मिल जाती है बहुत भारी मात्रा में ये। और देखिए ये है खुम्बी। तो ये हमको इस डेजर्ट के अंदर काफ़ी मात्रा में ये पाई जाती है और ग्रामीण लोग इसको ढूंढ ढूंढ करके और काफ़ी पैसे कमा लेते हैं। तो इस रेत के अंदर हम जाएंगे तो हमके बहुत सारी खुम्बियाँ नज़र आएंगी और ये खासकर हम ज़्यादा बरसात होती है तभी निकलती है आमतौर पर, वैसे नॉर्मल दिनों में ये खुम्बी नहीं निकलती है। तो किस तरह से ये खुम्बियाँ उगती हैं वो हमने आपको आज दिखाया।